अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ भागवत शुरू हो गई है और भागवत का आज तीसरा दिन है, तो हम जा रहे हैं भागवत सुनने। तो आप लोगों को सुनाते हैं तीसरे दिन की भागवत, और बने रहिए वीडियो में। और भागवत 12:15 बजे से शुरू होती है और 4 बजे बंद हो जाती है। तो अभी बज गए हैं 3, और अभी हम घर पर ही हैं क्योंकि धूप नहीं निकलती है। बहुत ज़्यादा कोहरा आया था सुबह, तो धूप एक भी नहीं निकली है। तो अब हम जा रहे हैं भागवत सुनने, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने सब देव के पुत्र जल भरत ने उत्तर दिया राजा राहुगण को। राजा राहुगण आत्मज्ञान सांख्य योग सीखने जा रहे थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सांख्य योग सीखने जा रहे थे भगवान कपिल के पास। सांख्य योग की रचना भी भागवत में भगवान कपिल ने की, लेकिन जलभरत के मुलाकात जब वही तो जलभरत ने कहा, राजन दो संकेत हैं रामचरितमानस के, प्रातः काल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। राम जी प्रातः काल उठ करके क्यों माथा नवाते? क्यों? माता के पैर में सीधे अंगूठे में चंद्रमा है पुत्र के लिए, और पिता के पैर के सीधे अंगूठे में सूर्य है पुत्र के लिए। जो पुत्र सुबह 4 बजे रोज उठ के माँ बाप के चरणों में माथा रखेगा, तो सारे दिन भर उस पुत्र पर सूर्य चंद्रमा का आशीर्वाद रहेगा, उसका बाल बांका भी नहीं होगा। हनुमान जी ने ये कहे, नाय सवन कहूँ माथा,
हरस चले ही धरे रघुनाथा। ये राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं, इन्होंने अपना माथा क्यों नवाया? वहाँ उस सभा में जो वचन है, यहाँ एक वचन नहीं, सवन कहो, सवन कहो, माथा क्यों नवाया? क्यों? भगवान की भक्ति वही कर सकता है जिसने तिनके की तरह अहंकार घमंड को त्याग दिया। क्योंकि हनुमान जी को राम जी मिल चुके हैं, हनुमान जी को राम जी मिल चुके हैं, सुग्रीव के द्वारा मित्रता हो गई, लेकिन अभी हनुमान जी पूर्ण नहीं है। कैसी ही बात सोचने लायक है, भगवान से मिलने के बाद भी हमारे जीवन में अपूर्णता बनी है। तो भगवान तो पूर्ण है और उनसे मिलने के बाद भी अपूर्णता मिली है, और ऐसा हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी राम जी से मिल गए हैं, लेकिन अभी हनुमान जी पूर्ण नहीं है। और पूर्णता क्या है? अजर अमर नहीं है। और वो कैसे हो सकते हैं? अजर अमर होने का जो सर्टिफिकेट है वो तो माता सीता के पास है, और सीता भी मिली नहीं है हनुमान जी को। हम सब सीता को पाना चाहते हैं, लेकिन सीता मिलेगी उसी को जो धनुष को तोड़ेगा। हम मरने को तैयार हैं, लेकिन धनुष तोड़ने को तैयार नहीं। धनुष वही तोड़ सकता है जिसने अपने जीवन में अहंकार को मार दिया, अहंकार को तोड़ दिया। आध्यात्म झांकी है, सीता भक्ति है, राम ब्रह्म है, धनुष अहंकार है और जनक योगी है। जनक योगी है, 1000 राजा धनुष को हिला न पाए। क्यों? धनुष अहंकार है, उन राजाओं ने अपना अहंकार नहीं मारा, घमंड नहीं मारा। इसलिए भक्ति भगवान के ही चरणों में जाकर रुकती है, उसे कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि संसार अभिमान से भला है। और राम जी को, हनुमान जी को पूर्ण होना है, इसलिए हनुमान जी का संकेत है कि मैंने अभिमान को यहाँ वेदांत दिखाया। हनुमान जी ने, मैंने द्वैत अद्वैत खत्म कर दिए, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। सवन कहो माथा, सबके चरणों में माथा रख दिया। क्यों? हनुमान जी से कहा, क्यों ऐसा किया? सुनो, मैंने किसी को माथा नहीं नवाया, तो ये क्या किया था? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जुगपानी। मैंने तो राम जी सीता को माथा नवाया, यही परीक्षा है हनुमान जी की। तुम्हें अजर अमर होना है तो लंका जाना है। वो राम जी है, वे हनुमान जी है, दोनों ने माथा नवाया। अब कथा में आ जाओ यही लौट करके। इसलिए जलभरत ने कहा, राजा राहुगण से कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हम झुकना ही तो नहीं चाहते, हम मरने को तैयार हैं। जीवन की पिक्चर का दी एंड हो गया, 80 साल पूरी होने को है, लेकिन अहंकार हमारा नहीं गया, घमंड नहीं गया। हम ये हैं, हम वो हैं, और है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हमारे रिश्ते बने हैं यहाँ दुनिया के, मम्मी पापा डैडी अंकल चाचा मामा काका नाना ताता जुड़े नाते, लेकिन ये नातों को भगवान स्वीकार नहीं करता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा है, ऐसा रामायण में लिखा, गीता में समोहम सर्वभूते न मे देशोस्त न प्रिया, ए भजन तुमा भक्ता मैं ते देशाप्यम। गीता में कहा मुझे सब कुछ प्यारा है, लेकिन मुझे प्रेम सबसे ज्यादा प्यारा है। रामायण में कहा, और बाइबल में भी कहा। बाइबल में क्या कहा ये मैं मंच से नहीं बताऊंगा, बाइबल के शब्द इस मंच से नहीं बोले जा सकते। यही कुरान में कहा, वो भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने हमारे सनातन धर्म के 2 ग्रंथों का प्रमाण दे रहा हूँ, गीता रामायण का। राम जी के साथ, राम जी नारायण किसी के बेटा नहीं, पापा नहीं, अंकल डैडी जीजा साले नहीं, और नारायण ने जिन पर कृपा करी, गजराज पर कृपा करी, द्रौपदी पर कृपा करी, ध्रुव पर कृपा करी, हम पे तुम पे कृपा करी,
रिश्ते से नहीं प्रेम का नाता। और प्रेम के नाते पर चलेंगे हम, प्रेम के मार्ग में अक्सर कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। देख कर कालीन सा ऐब हमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का, सूखी बगिया फिर हरी होगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। राजा राहुगण चरणों में गिर पड़े और प्रभु मुझे जो पाना था मिल गया। कर्मयोगी सम्राट परीक्षित कहते महाराज अब तो कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, हमें आगे और सुनाओ। सुखदेव ने कहा राजन अब तो मैं तुम्हें आगे कल सुनाऊंगा 2 बजे से, आज तो यही भगवान की आरती कराऊंगा। जय जय नारायण नारायण नारायण।